तो ये जो एक केस है, बड़ा एक यूनिक केस था। 12 साल की बच्ची थी, फैमिली जम्मू से आई थी हमारे पास। तो इसको बोन कैंसर उसकी टांग की हड्डी में, घुटने से नीचे वाली टिबिया बोन में डिटेक्ट किया गया था। तो अगली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया था कैंसर, केवल जो है हड्डी तक ही सीमित था, टांग की हड्डी में। तो पहले बच्ची को कीमोथेरेपी मिली, उसके बाद हमने ये लिम्ब प्रिजर्वेशन या लिम्ब सेल्वेज सर्जरी या अंग बचाने वाली सर्जरी इसमें की। इसमें यूनिक चीज़ क्या थी कि इसमें हमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे हम क्रायोस्टरलाइजेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं, उस टेक्निक के माध्यम से हमने कैंसर वाली हड्डी जो हमने निकाली थी ऑपरेशन के दौरान, उसको लिक्विड नाइट्रोजन से एक नामक एक पदार्थ होता है, केमिकल होता है, उससे रिसाइकल करके, रिस्टरलाइज करके वही हड्डी को दोबारा जो है हमने बच्ची में ट्रांसप्लांट कर दिया। एंड फॉलोअप में है, बच्ची बिल्कुल ठीक कर रही है। एंड ये केवल फर्स्ट केस नहीं है, हमने इस प्रकार के 5 केसेस, 6 केसेस इनफैक्ट हमने यहाँ पर पारस हेल्थ पंचकूला में किए हैं, एंड विद वेरी गुड रिजल्ट। सक्सेस रेट कितना है, क्योंकि दोबारा कैंसर पनपे ना या वैसा ना? सो अगर मैं अपनी डेटा या सीरीज़ की बात करूं, तो कैंसर उसी स्थान पे तो दोबारा किसी भी पेशेंट में नहीं आया है। इनफैक्ट बॉडी में और कहीं पे भी नहीं आया। ऑल पेशेंट्स आर डूइंग गुड, सारे पेशेंट जीवित हैं, अपने ट्रीटमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग कीमोथेरेपीज, फॉलोअप पे हैं और अच्छा कर रहे हैं। यदि मैं वैसे बात करूँ वर्ल्ड लिटरेचर में एविडेंस की, तो इसमें चांसेस रहते हैं, 20 से 30% चांसेस रहते हैं, केसेस रहते हैं जिनमें कैंसर दोबारा आ सकता होता है। उसी स्थान पे तो नहीं, बट बॉडी के किसी और स्थान पे ये बिल्कुल आ सकता हूँ। एंड सक्सेस रेट इस टेक्निक की अगर बात की जाए, तो जो हम मेटल के प्रोस्थेसिस यूज़ करते थे उसके ऊपर, उसके मुकाबले में काफ़ी एडवांटेजेस पेशेंट को प्रदान करती है। पेशेंट की नेचुरल हड्डी है, वो जब एक बार इंटीग्रेट हो जाती है, हड्डी का एक भाग बन जाती है, तो वो अपनी सारी एक्टिविटीज लाइक बच्चों में जब हम करते हैं, रनिंग, साइकिलिंग, स्कूल जाना, भाग दौड़ करना, सारा कुछ कर पाते हैं, जो एक मेटल के प्रोस्थेसिस में कई बार बच्चे ये नहीं कर पाते। किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटा मोटा दर्द रहता है, पता नहीं चलता है, उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करते हैं? सो मोस्ट ऑफ दीज केसेस बोन कैंसर के क्योंकि बच्चों में देखे जाते हैं, सो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि यदि अगर बच्चा निरंतर बता रहा है कि मुझे बॉडी के किसी एक पार्ट में, किसी हड्डी में, चाहे वो बाजू की हड्डी हो, टांग की या जांघ की, मुझे पेन हो रही है, कमर की हड्डी में भी, तो उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ा अनयूजुअल है कि बच्चे पेन बताएं कि मुझे इस स्थान पे दर्द हो रही है, और निरंतर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक अगर बता रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन को। कुछ एक्सरेज के माध्यम से या एमआरआई से इनिशियल स्टेजेस में इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। कई बारी इसमें एक रसोली या गांठ या सोजिश भी बन जाती है, तो वो हमें चीज़ें जो हैं स्कैन कराने से क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद बायोप्सी के माध्यम से उसको हम सिद्ध कर पाते हैं कि क्या बीमारी है, कैंसर है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली उसके आगे के ट्रीटमेंट अनिवार्य। कैंसर को लेकर बहुत सा डर रहता है लोगों के मन में। तो कैंसर शब्द ही ऐसा है कि लोग सुनते ही उसको घबरा जाते हैं कि, तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है डॉक्टर का, साथ में जो केयर गिवर्स होते हैं उनका भी, कि पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये चीज़ बन जाती है और बच्चों में बनने का कोई कारण नहीं होता है, बट अगर यदि प्रॉपर तरीके से उनकी काउंसलिंग की गई है, कुछ ऐसे पेशेंट्स से बात करवाई गई है या मिलवाया गया है, वो अंडरगोन द सेम प्रोसेस जिनको कैंसर से डिटेक्ट किया गया, और अभी अपना एक सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट करा के नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। एंड यूजुअली पेशेंट्स जो हैं, अगर इस बात को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो आगे अपना ट्रीटमेंट भी वो कराते हैं। तो इसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मैं कहना यही चाहूँगा। आजकल टेक्नोलॉजी, हमारी सर्जिकल टेक्निक्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स और हमारी इमेजिंग मोडालिटीज़ लाइक एक्सरे, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जिससे हम सफलतापूर्वक पेशेंट्स का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं, एंड दे कैन गो ऑन टू लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसके ट्रीटमेंट से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। इट
इट इज कैंसर जो चीज है इसको हम ओवरलुक या इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम इसका लेट ट्रीटमेंट कराते हैं उतना जो है कैंसर ठीक होने का या उसके सक्सेस रेट होने का वो हमारा कम हो जाता है। कई बारी पेशेंट्स के आते हैं हमारे पास कि ये हमारी गांठ बनी हुई है, चमड़ी के नीचे है या महसूस कर पा रहे हैं वो, तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ हम बेसिक सवाल पेशेंट से पूछते हैं कि कितने समय से यहाँ पर गांठ बनी हुई है। अगर कई साल हो चुके हैं, 5 साल 10 साल 15 साल से वो गांठ वहाँ पर पड़ी हुई है, तो ज़्यादातर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम 3 महीने बाद दोबारा बुला लेते हैं एक बारी, यहाँ ज़्यादा एक हम एक्सरे या MRI करा के देख लेते हैं कि इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है उस गांठ के अंदर। बट यदि किसी गांठ में जो उनको लग रहा है कि कुछ तब्दीली आ रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसमें दर्द बन रही है या ऊपर वाली चमड़ी में कुछ उसके चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर उसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि कई बार ये गांठें जो हैं कैंसर का रूप भी धारण कर लेती हैं। तो ये जब भी आपको ऐसी समस्या आती है कि कोई गांठ आपको नहीं बन गई है या उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसमें दर्द बन गई है जो पहले नहीं होती थी या कुछ ऐसी चेंजेस चमड़ी के ऊपर आ गई हैं जो पहले नहीं थी, तो एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, आपको ये चीज़ क्लियर करनी।